कल रात में शिवा 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 कड़क बिंदनी गणी खमा खमा गणी के बात है आज तुम दोनों को उठने में बड़ी देर हो गई। अरे दादी साहब समझा करिए, कभी कभी पति पत्नी को उठने में देर हो ही जाती है। अच्छा तो अब तू अपने भाई साहब की फिरकी लेगी है? भाभी साहब को क्या हुआ? कुछ ना, वो आज उठने में देर हो गई ना तो नहाने धोने गई है ताकि नाश्ता बना सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक से जा निकल। ना भाई साहब, मेरा दिल बार बार कह रहा है कि आप और भाभी साहब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कैसे जीऊंगी मैं शिवा के बिना? नहीं जी पाऊंगी। अरे बेटा क्या कर रही है तू? ये प्रसाद का चढ़ा हुआ दूध है ना, गिरा दिया। सुबह सुबह इतना बड़ा अपशकुन कर दिया। मेरे कल रात से इतना जी घबरा रहा था कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है इस घर में, और आज सवेरे सवेरे ये प्रसाद का दूध गिरा दिया तूने। क्या हो गया? हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? कल पूरी रात बिल्लियों के रोने की आवाज आई घर के पिछवाड़े से। कहते हैं जिस घर में यमराज का साया मंडराता है ना, ऐसे अपशकुन घटनाएं घटना शुरू हो जाती है पहले से। क्या हुआ बेटा, तेरा ध्यान कहाँ भटका हुआ है? तुझे क्या हो गया है, इतनी परेशान सी लग रही है। मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। एक तरफ मेरे पति हैं और दूसरी तरफ उनका। भीदड़ी, सबसे पहले पत्नी का धर्म जो है ना वो पति के लिए होता है, इसलिए तो पति को परमेश्वर कहा जाता है। और जहाँ परमेश्वर के साथ कोई और भी बात हो तो भी ध्यान सबसे पहले पति को ही देना चाहिए। पत्नी पति के लिए ना सोचेगी तो और कौन सोचेगा? दाई साहब ठीक कह रही है, मेरा पति सबके बारे में सोचता है खुद को छोड़कर। रसाल आज नहीं तो कल दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है, पर मेरा शिवा चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आ सकेगा। नहीं, मुझे रसाल को सब सच बताना ही होगा। लाडो तुम्हारे कमरे में हमारी अलमारी खोल के क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है आप और भाभी साहब को छुपा रहे हैं मुझसे, और मैं वो जान के रहूंगी। रसाल अगर तू भूल गई है ना तो मैं तारे को याद दिला दूं, इस घर में तूने खुद एक लकीर खींची है, और अगर मुझे थारे से में थारी इजाजत के बिना आना मना है तो यो नियम थारे पे भी लागू हो गए।
मेरे सवाल को आप बात पूरी होने दे। अगर मारे को थारी जिंदगी में घुसने का हकड़ा है ना, तो तुझे भी मारी निजी जिंदगी में घुसने का कोई हकड़ा है, समझी बात? आप मेरे सवाल को इस तरह टाल नहीं सकते भाई साहब। मैं आज जान के रहूंगी कि वो क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तू मारे को अपने किसी भी सवाल के जवाब देने को मजबूर नहीं कर सकती। जाए यहां से और दोबारा मारी इजाजत की बेड़ा इस कमरे में दोबारा कभी मत घुसना। बाहर, मैंने कहा बाहर निकल। हो सके तो मुझे माफ कर देना लड्डू, मैं बस अपनी बीमारी की बात छुपाना चाहता हूँ। तेरे दिल का टूटना बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुझे टूटते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा। देखी मिर्ची, तेरे भाई साहब ने तो तेरे सवालों का जवाब बना दिया, पर चिंता मत कर, मैंने तेरे भाभी साहब को समझा दिया है, आज वो तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे दे देगी। प्रसाद भाई साहब, मैं आपके लिए उतर नहीं थी। प्रसाद अच्छा, मैं लगा देती हूँ तुझे उपटन। अच्छा होगा, मैं लगा देती हूँ।